हमने स्टार्ट किया था आई यू पी एस जिसमें हमने आपको बता दिया था कुछ नाम करा भी हमने आपको बताए थे एंड आज हम देखने वाले हैं कुछ नाम करा हम देख लेते हैं जिससे हमको नियम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सो आई यू रूल हमने आपको बता ही दिया था आई यू रूल आपको बता दिया गया था इसमें हमने आपको बताया था कि जिसे नियम हम आपको बता दिए थे कि शब्दमूल इधर को लगेगा प्राथमिक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न एंड इधर को आएगा प्राथमिक पूर्वलग्न एंड द्वितीयक पूर्व लग्न जिसमें हमने आपको बता दिया था कि आई पी रूल में शब्द मूल क्या है प्राथमिक अनुलग्न क्या है द्वितीय का अनुलग्न क्या है शब्द मूल का मतलब हमने आपको बताया था कि किसी भी कार्बन के योगी में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है अगर कार्बन एक कार्बन है तो वहाँ पर मेथवर्ड का यूज़ करेंगे अगर वहाँ पर कार्बन की संख्या दो है तो वहाँ पर एथवर्ड का यूज़ करेंगे कार्बन की संख्या तीन है प्रोप वर्ड का यूज़ करेंगे कार्बन की संख्या चार है तो ब्यूट वर्ड का ऐसे ही पाँच होगा तो पेंट छः होगा तो हेक्स सात होगा तो हेप्ट आठ होगा तो ऑक्ट नौ होगा तो नॉन एंड दस होगा तो डेक ग्यारह होगा तो अंडेक बारह होगा तो डोडेक एंड इसमें हमने आपको बता दिया था प्राथमिक पूर्वलग्न के आदर्श आता है कि ये दिया गया कार्बन क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होगा तो वहाँ पे इनवर्ट का यूज़ करेंगे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्वीप बंद होगा तो वहाँ पर इनवर्ट का यूज़ करेंगे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य मध्यगर त्रिक बंध होगा तो वहाँ पे इन वर्ट का यूज़ करेंगे एन द्वितीय अनुलग्न क्रियात्मक समूह को दर्शाता है जैसे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए थे क्रियात्मक समूह के रूप में जैसे अगर ओ आ जाए तो वहाँ पर द्वितीय अनुललग्न के रूप में ऑल यूज़ करेंगे सी आ जाए तो वहाँ पे द्वितीय अनुलग्न के रूप में अल यूज करेंगे एंड सी डबल ओ आ जाए तो वहाँ पर द्वितीयक अनुलग्न के रूप में ओ एक ए यूज़ करेंगे आपको इतना बता दिया गया था एंड मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक पूर्वोलग्न क्या दर्शाता है प्राथमिक पूर्वोलग्न यह दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक है या अचक्री है। अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक साइक्लिक होता है साइक्लिक में चक्री होता है तो वहां पर हम साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं अगर दिया गया कार्बनिक साइक्लिक होता है दैट मीन्स अचक्री होता है तो वहां पर हम साइक्लो वर्ड का यूज नहीं करते हैं तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो दिया गया है वो साइक्लिक है दैट मीन्स चक्रीय है तो वहाँ पर साइक्लोवर्ड का यूज़ करेंगे अगर वह अचक्रिय है ए साइकिलिक है, साइक्लिक है तो वहाँ पर साइक्लोवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे एंड द्वितीयक पूर्व मैंने आपको बताया था द्वितीयक पूर्व दो चीज़ों को दर्शाता है एक तो प्रतिस्थापी समूह को और एक पार्श्व श्रृंखला को प्रतिस्थापी समूह मतलब सब्सटी ग्रुप एंड पार्श्व श्रृंखला मतलब दैट मीन्स साइड चेन एंड प्रतिस्थापी समूह के रूप में हमने आपको बताया था अगर सी एल आ जाए तो वहाँ पर क्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे बी आर आ जाए तो वहाँ पे ब्रोमो वर्ड का यूज़ करेंगे एंड आई आई आ जाए एवरडीन आ जाए तो वहाँ पे आयोडो वर्ड का यूज़ करेंगे एफ एफ फ्लोरिन आ जाए तो वहाँ पे फ्लोरो वर्ड का यूज़ करेंगे सी एच थ्री आ जाए तो वहाँ पे मेथिल वर्ड का यूज़ करेंगे एंड सी टू एच फाइव आ जाए छूट जाए तो वहाँ पे एथिल वर्ड का यूज़ करेंगे तो मैंने ब्रीफली uh, इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था इतना आपको मालूम ही होगा एंड आज हम आई पी नेमिंग में कुछ uh, नाम देख लेते हैं नामकरण अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आप इसका नामकरण कर सकते हैं अब सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय पूर्व लग्न प्रतिस्थापित समूह को दर्शाता है तो इन सभी में आपको कहीं पर प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब अगर दिखे तो क्या हो जाएगा द्वितीय पूर्व लग्न तो प्रतिस्थापी समूह यहाँ पर क्लोरो आ रहा है तो प्रतिस्थापी समूह ये हो गया उसके बाद प्राथमिक समूह प्राथमिक पूर्व लग्न क्या दर्शाता है साइकिलिक स्ट्रक्चर को मतलब चक्रीय यौगिक है या अचक्रीय तो ये तो खुली श्रृंखला है ये चक्री हो ही नहीं सकता उसके बाद शब्द मूल का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या तो इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु कितने हम देख लेते हैं एक दो तीन चार इस कार्बनिक यौगिक में चार कार्बन परमाणु हैं तो हमने इसका अंकन कर लिया है एंड उसके बाद देखते हैं ये चार कार्बन परमाणु होता है तो मूल का यूज़ करते हैं शब्द मूल क्या हो जाएगा यहाँ पे चार कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट हो जाएगा एंड प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य प्राथमिक अनुलग्न यह दर्शाता है कि कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंद है तो इसीलिए यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंद होता है तो यहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन लगाते हैं तो यहाँ पे एन लगा देंगे उसके बाद द्वितीय अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है द्वितीयक अनुलग्न किसी भी कार्बनिक यौगिक में यह दर्शाता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन सा यहाँ पे क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ एच एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो ओ एच के लिए जब भी एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह आता है तो वहाँ पे द्वितीय अनुलग्न के रूप में ऑल शब्द का यूज़ करते हैं किसका ऑल का तो हम इसका नाम लिख लेते हैं द्वितीय पूर्व लग्न सबसे पहले क्या है क्लोरो लेकिन ये किस नंबर पर दूसरे नंबर पर तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू क्लोरो एंड नाम लिखते वक्त हमने आपको बताया था जो पहला लेटर होता है ये कैपिटल में होगा उसके बाद सब स्मॉल में होंगे टू क्लोरो अब प्राथमिक पूर्व लग्न के रूप में यहाँ साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यह खुली श्रृंखला है यह चक्री यौगिक नहीं है अब शब्द मूल शब्द मूल का मतलब इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं एक दो तीन चार चार कार्बन परमाणु उपस्थित है चार कार्बन परमाणु के लिए शब्द मूल क्या यूज़ किया जाता है ब्यूट टू क्लोरोब्यूट उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य बंध को दर्शाता है कौन सा बंध है यहाँ पे एकल बंध है सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन एन लगा देंगे उसके बाद द्वितीय का अनुलग्न क्या दर्शाता है क्रियात्मक समूह को यहाँ पे ओ एच OH क्रियात्मक समूह है ओ OH एच क्रियात्मक समूह के लिए हम ऑल वर्ल्ड का यूज करते हैं तो पहले नंबर पर आ रहा है ओ एच तो यहाँ पे वन ऑल आप यहाँ पे वन लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं अब आप देखें आपको एक नियम बताया गया है जब भी द्वितीय अनुलग्न किसी वॉवेल से स्टार्ट हो किसी वॉवल से स्टार्ट हो तो प्राथमिक अनुलग्न कहीं हट जाता है तो फाइनली इसका नाम क्या हो जाएगा टू क्लोरो ब्यूटेनॉल, टू क्लोरो ब्यूटे तो इसका नाम हो जाएगा टू क्लोरो ब्यूटेनॉल ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक और दे दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है अब इसमें देखेंगे द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में यहाँ पे क्लोरो था तो यहाँ पे क्या है ब्रोमो बी आर आया है तो ये क्या है प्रतिस्थापित समूह है तो द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में यूज होगा तो बी आर आया है तो इसके लिए ब्रोमो वर्ड का यूज करेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न क्या दर्शाता है दिया गया कार्बनिक यौगिक चक्री है या अचक्री साइक्लिक है या ए साइक्लिक तो आप इस चक्रीय यौगिक को देख सकते हैं कौन सा एक कार्बनिक यौगिक कैसा है ये चक्रीय कार्बनिक यौगिक है बंद श्रृंखला कार्बनिक Logik है एंड उसके बाद शब्दमूल शब्दमूल का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें देखते हैं कार्बन परमाणु कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः इस चक्रीय कार्बनिक यौगुग में कार्बन परमाणुओं की संख्या छः है तो शब्दमूल छः कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल क्या होता है हेक्स होता है उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बॉन्ड को दर्शाता है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जितने भी यहाँ पे कॉर्नर दिख रहे हैं ये सब क्या हैं कार्बन परमाणु हैं इस कार्बनिक यौगिक में जितने भी आपको कॉर्नर दिख रहे हैं ये सब क्या है कार्बन कार्बन है यहाँ पर उपस्थित है कार्बन तो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य आप देखिए कौन सा बॉन्ड है एकल बंद है सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न का क्या यूज़ करते हैं एन का यूज़ करते हैं एंड देन उसके बाद द्वितीय अनुलग्न द्वितीय अनुलग्न क्या दर्शाता है किसी भी कारण यौगिक में क्रियात्मक समूह को दर्शाता है यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह है ओ एच ओ एच क्रियात्मक समूह है ओ एच क्रियात्मक समूह के लिए द्वितीय का अनुलग्न ऑल का यूज करते हैं तो अब इसका नामकरण कर लेते हैं जी तो पहले आई यू पी एस सी नाम लिखते वक्त इसको फॉलो करेंगे इस नियम को फॉलो कीजिए कोई भी नाम आपका गलत नहीं होगा आई यू पी एस सी नाम तो द्वितीय पूर्व लग्न के रूप में क्या आया है प्रतिस्थापित समूह ये किस नंबर पर चौथे नंबर पे है और बी आर आया है बी आर के लिए कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं ब्रोमो इक्कीस नंबर पे है फोर्थ नंबर पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम फोर ब्रोमो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखेंगे फोर ब्रोमो उसके बाद प्राथमिक पूर्वलग्न प्राथमिक पूर्वलग्न चक्रीय और अचक्रीय को दर्शाएगा अगर चक्रीय होता है तो वहां पर साइकिल साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं तो ये कारण क्या चक्रीय है तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का यूज़ करेंगे साइक्लो उसके बाद मूल शब्द मूल का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं छह कार्बन परमाणु है छह कार्बन परमाणु के लिए हेक्स वर्ड का यूज करेंगे उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध को दर्शाता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन का यूज करते हैं उसके बाद देखेंगे जी कि द्वितीयक अनुलग्न द्वितीय अनुलग्न क्या दर्शाता है क्रियात्मक समूह को यहाँ पे ओ एच वाला क्रियात्मक समूह है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑल ये पहले नंबर पर आप चाहे वन यहाँ पे लिखें चाहे ना लिखें अब आप देखें जी द्वितीय अनुलग्न किससे स्टार्ट हो रहा है वॉवल से और से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है वोवेल है तो जब भी द्वितीय का वोवेल से स्टार्ट होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हट जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फोर ब्रोमो साइक्लो इसका नाम ये हो गया तो आपको उम्मीद है कि नाम करण इसका समझ में आ रहा होगा ऐसी अब इसके कुछ नियम हैं आई के तो उस नियम को हम देख लेते हैं देखिए कार्बनिक यौगिकों के आयु नाम की रचना करने की विधि तो आयु नाम की रचना कैसे करेंगे जी तो यहाँ पे आ, कार्बनिक यौगिकों का आई यूपीएससी नामकरण निम्न पदों में किया जाता है सबसे पहले हम करते हैं जनक श्रृंखला का चुनाव जनक श्रृंखला का मतलब होता है मुख्य श्रृंखला मुख्य श्रृंखला का मतलब जिसे हम यहाँ पे चुनाव किए कि मुख्य श्रृंखला क्या है तो यहाँ पे हम देखेंगे जनक श्रृंखला जनक श्रृंखला का मतलब मुख्य श्रृंखला का चुनाव तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको पता ही होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल मध्यलंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं तो अब देख लेते हैं जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जनक श्रृंखला का चुनाव हम कैसे करेंगे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे हम कोई कार्बनिक यौगिक लेते हैं इसे मान लें हमने यहाँ पे कार्बनिक यौगिक लिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू अब हम यहाँ पे अंकन करेंगे तो अंकन हम ऐसे भी कर सकते हैं अंकन हम यहाँ पे करेंगे अंकन हम ऐसे कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ <coughs> सॉरी अगर हम इधर देखें तो इसमें हमको कार्बन परमाणु कितने मिल रहे हैं छः कार्बन परमाणु मिल रहे हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम यहाँ से अंकन करें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनना है सबसे लंबी श्रृंखला ये किधर सीधा जा रहा है कि तिरछा जा रहा है इससे हमको नहीं मतलब है हमको इससे मतलब है कि हमको कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला हमको मिलनी चाहिए तो अगर इधर से अंकन करेंगे एक दो तीन चार पांच छः तो हमको छः ही कार्बन परमाणु मिलेंगे लेकिन अगर हम अंकन इधर से करें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ कार्बन परमाणु हमको मिल रहे हैं तो हमारी मुख्य श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में ये वाला अंकन सही है और ये स्वालंकन गलत है दैट मीन्स ये हमारी जनक श्रृंखला नहीं होगी ये मुख्य श्रृंखला नहीं होगी मुख्य श्रृंखला ये वाला होगा इधर से ये क्या हो गया मुख्य श्रृंखला और ये हमारी मुख्य श्रृंखला नहीं है तो देखें हमने नेक्स्ट दूसरा कंपाउंड ले लिया है अब इसमें हम अंकन करेंगे हम अगर इधर से अंकन करें एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो हम अगर सीधा सीधा अंकन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हमें कितने कार्बन परमाणु मिल रहे हैं नौ कार्बन परमाणु मिल रहे हैं अगर हम ऐसा अंकन करें इधर से अगर हम अंकन करें तब देखें आ, कितने कार्बन परमाणु आते हैं इधर से अंकन कर रहे हैं हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो हमको आठ कार्बन परमाणु मिल रहे हैं अगर हम आ, ऐसा अंकन कर दें हमने दो कंडीशन देख लिया अब हम तीसरा देखते हैं कि अगर हम इधर से अंकन करें तब हमको कितने कार्बन परमाणु मिलते हैं देखिए है, हमने इधर से अंकन किया हमको आठ कार्बन परमाणु मिले सीधा सीधा अंकन किया नौ कार्बन परमाणु मिले अब हम इधर से अंकन करें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो सबसे ज़्यादा हमको इस श्रृंखला में हमको कार्बन परमाणु मिल रहे हैं <coughs> सॉरी तो ये वाली जो श्रृंखला है हमारी यही क्या हो गई मुख्य श्रृंखला हो गई तो ये क्या है मुख्य श्रृंखला है और ये मुख्य श्रृंखला नहीं होगा ये भी गलत है और ये भी गलत है तो हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है जनक श्रृंखला के रूप में तो सबसे लंबी श्रृंखला यही है क्योंकि हमको इसमें दस कार्बन परमाणु मिले हैं जबकि हमने सीधा सीधा अंकन किया था तो हमको नौ कार्बन परमाणु मिले थे जिसको हम जनक श्रृंखला के रूप में नहीं लेंगे क्योंकि हमको दस कार्बन परमाणु यहाँ पर मिल रहा है और जब मैंने इधर से अंकन किया तो हमको आठ ही कार्बन परमाणु मिले तो यह भी जनक श्रृंखला नहीं हो सकती है हमने देखा कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें कार्बन परमाणुओं की हमको सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनना पड़ेगा एंड देखते हैं अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जहां पर द्विक बंद होगा या फिर त्रिक बंद होगा तो उसको सबसे लंबी श्रृंखला के रूप में हम जनक श्रृंखला मानेंगे अभी इसके उदाहरण हम आपको आगे बताते हैं जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उनमें क्रियात्मक समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें कार्बन कार्बन द्विक बंध या फिर कार्बन कार्बन त्रिक बंध युक्त तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनेंगे तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं जैसे यहां पे आपको बताया गया है यहां पे अब देखिए इसका उदाहरण जिसे हमने अभी जितने भी नियम पढ़े हैं उसको यहाँ पे लागू करते हैं तो हमने कहा था अगर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहले सबसे पहले इसको पहचानिए है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अब इसको कैसे पहचानेंगे हमने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड हो एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य या तो द्विक बंद हो या फिर त्रिक बंद हो तो जहां पर द्विक या त्रिक बंद आ जाएगा वहां पर उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे जहां पर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है अब इसमें देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंकन कैसे होगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंकन ऐसे होगा कि हमने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंकन करने अंकन करते वक्त सबसे लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में मानेंगे अगर हम इधर से अंकन करेंगे एक दो तीन चार पाँच तो हमको कितने कार्बन मिल रहे हैं पाँच कार्बन मिल रहे हैं अगर हम इधर से देखें एक दो तीन चार पाँच छः तो इसमें हमको छः कार्बन मिल रहे हैं लंबी श्रृंखला छः कार्बन की होती है कि पाँच कार्बन की तो छः कार्बन वाली श्रृंखला जो है लंबी श्रृंखला है कि अपेक्षा पाँच कार्बन वाली की तो मुख्य श्रृंखला ये ना होकर के मुख्य श्रृंखला ये वाली है ये वाली क्या है मुख्य श्रृंखला है तो अब देखें लंबी ये ना होकर के लंबी श्रृंखला ये है इधर से हम अंकन किए हैं तो हमको कितने कार्बन मिले हैं छह कार्बन परमाणु मिले हैं जबकि इधर से देखते तो एक दो तीन चार पांच पांच ही कार्बन परमाणु मिलते हैं लेकिन हमको लंबी श्रृंखला ढूंढनी है तो हमको इधर से छह कार्बन परमाणु मिले हैं अब इधर देखें ये भी क्या है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है असंतृप्त होने के लिए इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है अभी जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसमें देखेंगे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः इधर से कर रहे हैं छः कार्बन मिल रहा है इधर से करें एक दो छह कार्बन मिल रहा है लेकिन अगर हम सीधा सीधा देखें हो गई ये क्या हो गई मुख्य श्रृंखला श्रृंखला तो ये हो गया उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये इसमें तो आप मुख्य श्रृंखला श्रृंखला तो है तो इसको मुख्य श्रृंखला यही हो जाएगी एक अब इसमें देखें जी इसमें देख रहे हैं आप क्या है इसमें डबल बॉन्ड आ गया इसका मतलब है ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अब देखें इसमें तो लंबी श्रृंखला एक दो तीन चार पाँच छः इधर भी छः कार्बन मिल रहा है इधर देखें एक दो तीन चार पाँच छः इधर भी छः कार्बन अब किसको मानेंगे इसको लंबी श्रृंखला मतलब इसको मुख्य श्रृंखला या फिर जनक श्रृंखला मानेंगे कि इसको जनक श्रृंखला मानेंगे तो जनक श्रृंखला हम उसको मानेंगे जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो ठीक है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो तो ये क्या हो गई ये मुख्य श्रृंखला हो गई और ये पार्श्व श्रृंखला हो गई मुख्य श्रृंखला ये हो जाएगा तो ये क्या हो गई हमारी मुख्य श्रृंखला अब यहां पे देखें इसमें अंकन करेंगे तो इसमें मुख्य श्रृंखला क्या हो जाएगी अगर इधर से देखें एक दो तीन चार इधर से देखें एक दो तीन चार पांच कार्बन इस साइड में भी है छह कार्बन इस साइड में भी है लेकिन हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला में इन्वॉल्व करना है तो इसको देखें मुख्य श्रृंखला ये हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइड चेन अब इसमें देखें इसमें क्या है क्रियात्मक समूह इसमें क्या रहा है क्रियात्मक समूह यहाँ पे देखें सी एच ओ ये क्रियात्मक समूह वाला अब यहां आ गया है तो मुख्य श्रृंखला श्रं दो तीन, चार पांच छह सात इधर से हमको सात कार्बन मिल रहा है इधर से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो मुख्य श्रृंखला में हमको क्रियात्मक समूह भी इन्वॉल्व करना है तो यहां से देखें एक हमको इधर से आठ कार्बन परमाणु मिले हैं तो ये हमारे क्या हो होगा मुख्य श्रृंखला अब देखें अगला हेडिंग है जनक श्रृंखला का अंकन अब जनक श्रृंखला का अंकन कैसे करेंगे हमने मुख्य श्रृंखला का चुनाव तो कर लिया कि आ, सबसे लंबी श्रृंखला अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें कार्बन कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं उसके बाद अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो कार्बन कार्बन द्विक बंध या कार्बन कार्बन त्रिक बंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं अगर कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह युक्त सबसे लंबी श्रृंखला हम चुनते हैं उसके बाद अब बात आती है जनक श्रृंखला का अंकन करने की तो अंकन हम किधर से करेंगे जनक श्रृंखला का तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह निकटतम होता है अब इसको अच्छे से समझ ले पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह मैंने आपको बता दिया है पार्श्व श्रृंखला मैंने बताया था अगर सी एच थ्री कहीं पर छूट रहा है तो उसे मिथाइलिया मेथिल ग्रुप बोलते हैं एंड सी सी टू एच फाइव कहीं पर छूट रहा है इथाइलिया एथिल ग्रुप बोलते हैं ये सब क्या थे पार्श्व श्रृंखला था उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापी समूह प्रतिस्थापी समूह के रूप में मैंने बताया था अगर कहीं पर क्लोरिन छूट रहा है तो क्लोरोवर्ड का यूज करते हैं तो ये सब क्या थे प्रतिस्थापी समूह थे अब यहाँ पे देखें यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला है पार्श्व श्रृंखला ये है अब देखें अंकन किधर से करेंगे अंकन आप इधर से नहीं करेंगे इधर से करेंगे अंकन तो एक दो तीन चार इसको हम देख लेते हैं जैसे मान लीजिए हमने इसको इस एग्जाम्पल को लिखा इधर सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री एंड यहाँ पे क्या चूड़ा था सी एच थ्री अब देखिए यहाँ पे आ, हम इसका अंकन करेंगे दो तरीके से मान लीजिए अगर हम इसका अंकन इधर से करें एक दो तीन चार इसमें हमको कितने कार्बन परमाणु मिल रहे हैं चार कार्बन परमाणु मिल रहे हैं इसमें हमको चार कार्बन परमाणु मिले हैं लेकिन ये जो मेथिल ग्रुप है ये जो छूटा हुआ ग्रुप है मेथिल ये किस नंबर पर आ रहा है तीसरे नंबर पर ठीक है किस नंबर पर आ रहा है मेथिल ग्रुप तीसरे नंबर पर अब अगर हम अंकन इधर से ना करके इस साइड से करें एक दो तीन चार आप देखें जब हमने इधर से अंकन किया तो पारसो श्रृंखला किस नंबर पर पड़ रहा था तीसरे नंबर पे एंड जब हमने इधर से अंकन किया तो ये किस नंबर पे पड़ रहा है दूसरे नंबर पे तो तीसरा नंबर ज़्यादा नज़दीक पे है इसके कि दूसरा नंबर दूसरा नंबर कम है तो जिधर से दूसरे नंबर पे है मिथाल ग्रुप किस नंबर पे है दूसरे नंबर पे तो ये वाला अंकन हमारा सही होगा ये वाला अंकन सही है ये वाला अंकन गलत है तो अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन दिया गया है तो अंकन आप उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिस सिरे से पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह निकटतम हो पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह इसमें आपको कोई प्रतिस्थापी समूह तो नजर आ नहीं रहा है तो पार्श्व श्रृंखला है इसमें ये मेथिल चेन एज अ साइड चेन है ना ये मिथिल ग्रुप एज अ साइड चेन है इसलिए क्या है ये पार्श्व श्रृंखला है तो पार्श्व श्रृंखला इधर से नजदीक पर पढ़ा है इधर से कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे पार्श्व श्रृंखला पड़ रहा है इधर से अंकन किए तो ये तीसरे नंबर पे पड़ रहा है पार्श्व श्रृंखला तो तीसरा नंबर नज़दीक ना होकर के दूरी पे है ये दूसरा नंबर नजदीक पे है तो ये वाला अंकन सही होगा ये वाला अंकन गलत होगा तो देखिए हमने पहला एग्जाम्पल किया जिधर से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक या प्रतिस्थापी समूह नज़दीक पे पड़ेगा उधर से अंकन करेंगे तो अंकन आप इधर से करेंगे एक दो तीन ये क्या हो गया मुख्य श्रृंखला हो गई और ये क्या है पार्श्व श्रृंखला है अब इसमें देखें जी इसमें अंकन किधर से करें इधर से अंकन करें कि इधर से अंकन करें अगर आप इधर से अंकन करेंगे एक दो तीन तो पार्श्व जो प्रतिस्थापी समूह है तीसरे नंबर पे पड़ेगा अगर हम इधर से अंकन करें एक दो प्रतिस्थापी समूह किस नंबर पे पड़ जा रहा है दूसरे ही नंबर पे तो ये वाला अंकन सही है इधर वाला एक दो तीन चार अगर हम अंकन इधर से करते अंकन अगर इधर से करते तो एक दो तीन तो ये प्रतिस्थापित समूह किस नंबर पे पड़ता है तीसरे नंबर पे तो तीसरा नंबर नज़दीक पे थोड़ी थोड़ी ना है इधर से हम अंकन कर रहे हैं तो नज़दीक भी पड़ जा रहा है दूसरे नंबर पे तो ये वाला अंकन सही है तो अब देखते हैं इसमें इसमें अंकन हम किधर से करेंगे